फिल्मी न्यूज का 84th एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की 2898 एडी का रन टाइम रिवील हो गया है और वो है 3 hours and 56 seconds। उसके बाद सलमान खान एंड डायरेक्टर एटली की मूवी में एक बड़ा चेंज आया है, जहां पर ये मूवी एक टू हीरो पैन इंडियन एक्शन फिल्म होने वाली है और एटली ने एक बड़े साउथ इंडियन एक्टर को अप्रोच किया है सलमान खान के साथ लीड करने के लिए और स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद एक जॉइंट नरेशन होगा दोनों एक्टर्स के साथ। और रिपोर्ट्स की माने तो अगर ये नॉर्थ साउथ का कॉम्बिनेशन अगर नहीं हुआ तो रणवीर सिंह को अप्रोच किया जा सकता है, प्रोड्यूस्ड बाय सन पिक्चर्स। उसके बाद सनी देओल की नेक्स्ट मूवी अनटाइटल्ड SDGM होने वाली है विद तेलुगु डायरेक्टर गोपीचंद मलिनी और फीमेल लीड होने वाले है सयामी खेर एंड रेजीना कसेंड्रा, प्रोड्यूस्ड बाय मैत्री मूवी मेकर्स एंड पीपल मीडिया फैक्ट्री। उसके बाद रूसो ब्रदर्स की नेक्स्ट मूवी टाइटल द इलेक्ट्रिक स्टेट का बजट है $300 million फॉर नेटफ्लिक्स, स्टारिंग मिली बॉबी ब्राउन, क्रिस प्रैट, कीवी क्वान, जिन कार्लो एस्पोजिटो, एंथनी मैकी एंड ब्रायन कॉक्स। उसके बाद इनसाइड आउट फ्रेंचाइज में एक स्पिन ऑफ सीरीज रिलीज होने वाली है इन 2025 और इसमें हम फॉलो करेंगे ड्रीम प्रोडक्शंस को, जो कि एक मूवी स्टूडियो है राइली के दिमाग में जो कि उसके ड्रीम्स बनाते हैं। उसके बाद स्माइल 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और मूवी 18th October 2024 में रिलीज होने वाली है। तो आपको ये अपडेट्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।